आपका। अहम खबर आपको देंगे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेट्रोल पंप सील करने की वजह से मुलाजमीन की बेरोजगारी और तनख्वाह ना मिलने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने मुलाजमीन से मुतालिक रिपोर्ट अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, आज पेट्रोल पंप के बेरोजगार मुलाजमीन तनख्वाह ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सराफा एहतजाज थे और आज मुकदमा की समाअत के दौरान अदालती स्टाफ से ये इस्तफसार किया कि बाहर यूनिफॉर्म में कौन से लोग कहाँ के मुलाजमीन हैं। उन्हें बताया गया कि वो जो पेट्रोल पंप सील किए गए थे ये वहाँ के मुलाजमीन हैं। चीफ जस्टिस ने के हुक्म पर उन मुलाजमीन को अंदर बुलाया गया और अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर समाप्त करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल इम्तियाज कैफी से रिपोर्ट तलब की है, जबकि अदालत ने तमाम मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। दौरान समाप्त अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि किसी की एक दिन, एक महीने और एक घंटे की तनख्वाह भी नहीं रोकी जाएगी, आपकी रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त करते हैं। अदालत ने मजीद रिमार्क दिया कि पेट्रोल पंप की नीलामी की तारीख से आगाह किया जाए, जबकि मुलाजमीन की समाप्त के हवाले से बता रहे थे उमर शाकिर, शुक्रिया आपका।